विकास आघाड़ी सरकार ने 2021 की जनसंख्या की घोषणा से पहले ही नगर परिषद जिला परिषद में सदस्य की संख्या बढ़ाने की गलती की थी, उस गलती को सुधार लिया गया है। अब नगर पालिकाओं नगर पंचायतों में सदस्यों की बढ़ी हुई संख्या कम की जाए। सदस्यों की संख्या की गणना 2011 की जनसंख्या के अनुसार की जानी चाहिए, ऐसी मांग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की गई है। ऐसी जानकारी पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा दी गई है। पत्रकारों से संवाद साधते हुए उन्होंने कहा, महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा लिया गया गलत फैसला शिंदे फडणवीस सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में संशोधन कर सही कानूनी कदम उठाया है, लेकिन महानगर पालिकाओं नगर पंचायतों में महाविकास आघाड़ी सरकार ने 2011 की जनसंख्या को छोड़कर सदस्यों की संख्या बढ़ा दी है, इसलिए नगर पालिकाओं नगर पंचायतों में सदस्यों की बढ़ी हुई संख्या कम की जाए। सदस्यों की संख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार होनी चाहिए, यह मांग की गई है। जिला परिषद नगर निगम ने 2011 की जनसंख्या का आधार लिया है। नगर निगम में सदस्यों की पुरानी संख्या को उसी आधार पर रखकर चुनाव कराए जाए, मुख्यमंत्री से ऐसी मांग भी की गई है। ते वरिष्ठ आहे, त्यांना सल्ला द्यायचा की त्यांना काय सांगायचं मला कळत नाही। बांटी आयोगाचं 99% काम 100% काम त्यांच्या सरकारच्या काळात झालं। त्यांच्या सरकारच्या काळामध्ये संपूर्ण बांटी आयोग महाराष्ट्रात फिरला, तेव्हा ते गप्प बसले होते, शांत बसले होते। आता सरकारमध्ये गेल्यावर बांटी आयोग चुकीचा आहे, बांटी आयोगाने चुकीचं केलं, त्यांनाही समजत आहे आणि मलाही समजत आहे की बांटी आयोगाची जी जनसंख्या आहे, ओबीसीची जनसंख्या किती, ॲव्हरेज महाराष्ट्राची इम्पेरिकल डेटा हा काही घरोघरी जाऊन करायचा डेटा नाही आहे, हा स्टॅटिस्टिकल डेटा आहे, हा केवळ आरक्षणाकरता आहे। जर बांटी आयोगाने महाराष्ट्राच्या संपूर्ण विभागाचा तपासणी करून 27% ओबीसी आरक्षण जो मूळ मुद्दा आहे, 27% पूर्ण महाराष्ट्राला ॲव्हरेज ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला, तीच मागणी होती सर्वांची। आणि त्यामुळे ही जे जनगणना जी जनसंख्या कमी आहे जास्त आहे ही फक्त या निवडणुकीच्या आरक्षणाकरता होती, ही काही कुठल्या नोकरीच्या आरक्षणाकरता नाही आहे, हे शैक्षणिक आरक्षणाकरता नाही आहे। बांटिया आयोगाने तयार केलेला अहवाल हा केवळ राजकीय आरक्षणाकरता होता, तेवढाच त्याचा अर्थ होता, तेवढाच त्याचा अर्थ होऊन आता त्याचा संबंध सुटला आहे। बांटी आयोगाने 27% आरक्षण त्या ठिकाणी प्रस्तावित केलं आणि सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं आहे, राज्य सरकारने त्या ठिकाणी मान्यता दिली आहे। त्यामुळे आता ओबीसीच्या नावाने जास्त प्रसिद्धी घेण्याचं काम छगन भुजबळ साहेबांनी टाळावं। तुम्ही जे बेमानी केली 2.5 वर्ष, तुम्ही जी बेमानी केली 2.5 वर्ष, ती बेमानी सर्वांना माहीत आहे। आता तुम्ही या विषयामध्ये खूप काही बोलून आपली त्या ठिकाणी स्वतःचंच त्या ठिकाणी पाप हे त्या ठिकाणी वर आणताय, तुम्ही पाप केलं आणि म्हणून त्या ठिकाणी 2.5 वर्ष ओबीसीला आरक्षण मिळालं नाही। मला वाटतं आता याच्यावर भुजबळ साहेबांनी वडेट्टीवारांनी बोलणं बंद करावं। शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग नई आबादी के बिना अपनी सदस्यता नहीं बढ़ा सकता। महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपने वोट से जनसंख्या में 4.5% की वृद्धि दिखाई और सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, यह एक बड़ी गलती थी, इस गलती को सुधारने की जरूरत थी। शिंदे फडणवीस सरकार ने इसमें संशोधन किया, यह एक कानूनी फैसला है। पुरानी सदस्यता संख्या के अनुसार ओबीसी और अन्य आरक्षण के साथ चुनाव कराना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में देरी होगी लेकिन गलत चुनाव नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।